अमेरिका प्रवास के दौरान कांग्रेस के राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा ने अपना विरोध जताया, साथ ही कोतवाली थाना पहुंचकर नामजद FIR दर्ज कराई। अमेरिका प्रवास के दौरान राहुल गांधी द्वारा भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता पैदा करके भारत को नुकसान पहुंचाने वाली विदेशी ताकतों के प्रतिनिधियों से भेंट करने और सिख समाज के धार्मिक प्रतीक पगड़ी और कड़ा को लेकर अमर्यादित और अप्रासंगिक टिप्पणी करके भारतीय लोकतंत्र, भारत की सर्वसमावेशी सर्वस्पर्शी संवैधानिक व्यवस्था पर चोट पहुँचाने के साथ सिख समाज की भावनाओं को भी ठेस पहुँचाया है। इसका आरोप लगाते हुए दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता ने सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। जब वहां जाके तब मिलने जाएंगे। हो गया तो वहां जा रहे हैं भाई। आपको बता दें कि राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान परस्त भारत विरोधी लोगों के साथ गलत बहिमा कर रहे हैं। वे आतंकियों के समर्थन वाले कार्यक्रम में जाकर खड़े हो जाते हैं, देश को तोड़ने वाली ताकतों से समर्थन मांगते हैं और विदेशी ताकतों से देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की मांग करते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जा कर के भारत विरोधी वक्तव्य दिए हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। देश विरोधी ताकतों के साथ में बैठक करना, उनसे बातचीत करना, संवाद करना, जो आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं ऐसे संस्थाओं के साथ में बातचीत करना, जम्मू कश्मीर में धारा 370 फिर से ला देंगे बोलना, हमारे सिख समाज के जो बंधु बांधव हैं, बहने हैं, उनके विरुद्ध, समाज विशेष के विरुद्ध निम्न स्तर का टिप्पणी करना, ये अशोभनीय है। और राहुल जी को सोचना चाहिए कि देश के बाहर ये भारत माता के जयकारे करने चाहिए, बल्कि छोटे छोटे राजनीतिक स्वार्थ में निम्न स्तर बातचीत नहीं करना चाहिए। अनेकता में एकता, भारत की विविधता, इस भारत देश में जितने धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग रहते हैं सब भारत माता के सपूत हैं, उनके विरुद्ध उकसाना बहुत ही निंदनीय विषय है। देश के अंदर दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कभी उसकी माँ मौत के सौदागर बोलते हैं, कभी सदन में डंडे मारने चाहिए बोलते हैं, कई प्रकार के बहुत ही निम्न स्तरीय शब्द भिन्न भिन्न समय में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं द्वारा बोला जाता है, जबकि इन लोगों को सीख देना चाहिए कि हमको राजनीति में एक सुचिता और पारदर्शिता दिखाना चाहिए, दिखता नहीं। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी जी के विरुद्ध FIR करवाए हैं और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। कांग्रेस अभी जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी और जिला दुर्गशार विधायक श्री गजेंद्र यादव जी और भाजपा के जो कार्यकर्ता भी थाना आए थे और उन्होंने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी है उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी अशोभनीय टिप्पणी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो शिकायत पत्र का अवलोकन किया गया है। इस संबंध में जो नई धारा की उसकी धारा 299 और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है, कार्रवाई की जा रही है। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।